गुड मॉर्निंग, आई एम आरती सामंत। और ये जो आप सुंदर से फ्लावर्स नीचे देख रहे हैं वो है पारिजात। पूरा नीचे ऐसे जैसे तारे जमीन पर। तो आज है सोमवार और अभी अधिक मास चल रहा है, सो आज मैंने सोचा कि आज इस पावन सोमवार के दिन, आज इस खूबसूरत मंडे के दिन आपको एक हमारा प्लांट दिखा देती हूँ। एक बहुत ही ऑस्पिशियस पौधा जिसके बारे में हम सबको बड़ी उत्सुकता रहती कि ये पौधा क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ पे पाया जाता है। सो ये है रुद्राक्ष। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस प्लांट और स्पेशली नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, बट हिंदू रिलीजन में, मुझे बाकी के रिलीजन का पता नहीं, लेकिन हिंदू रिलीजन में इस प्लांट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका जो सीड होता है उसे कहा जाता है रुद्राक्ष। सो आपके सामने ये है रुद्राक्ष का प्लांट। और यदि आप वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यदि ये प्लांट आपने अपने घर के बाहर लगाया तो जितनी बुरी एनर्जी है वो निकल जाती है, मतलब वो आपसे दूर हो जाती है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एरिया कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है और क्या, बट देन मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो ये है रुद्राक्ष के फ्लावर्स। जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें मैंने इसके पहले भी शेयर किया था, रुद्राक्ष की जो कलियाँ होती है वो कैसी होती है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ रुद्राक्ष के फ्लावर्स। ये वाइट कलर के होते हैं और जस्ट 1 or 2 centimeter इसकी मतलब लेंथ होती है, बहुत बड़े नहीं होते। और आप देख रहे हैं ये जो काले काला जो दिख रहा है ना, सब आपको दिखाते हैं। ये देखो इतने काले काले जो आपको दिख रहे हैं, तो ये पूरा रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो मधुमक्खियों से भरा हुआ है। सो मैं थोड़ा सा केयर ले रही हूँ जब मैं शूटिंग कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल आई डोंट नो कितने काटते हैं, कैसी हैं, बट वो हैं मधुमक्खियाँ। पूरा पूरा पेड़ ऐसा काला 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 दिख रहा है। बट उसके साथ आपको दिखा देती हूँ कि जब फ्लावरिंग हो गया तो साथ में रुद्राक्ष के छोटे छोटे फ्रूट्स भी आने शुरू हो गए। आई शो यू, आई टेक केयर। सो दिस इज़ एवरग्रीन प्लांट। ये एक बार आपने लगा दिया तो इसकी यदि प्रॉपर केयर ली ना, व्हाट इज़ प्रॉपर केयर, ये आपको दिखाती हूँ। ये है उसका तना और ये आई थिंक 8 साल का पेड़ है, 7 या 8 साल का पेड़ है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं हम प्लांटेशन कैसे करते हैं, सो इतना बड़ा आपको दिखाती हूँ उसका बेस कैसा है। क्यों प्लांट अच्छा ग्रोथ होता है उसके पीछे भी रीज़न होता है। ये इतना बड़ा खड्डा खोदा था, जैसी भी बुलाया था, फिर इसमें पूरा काऊ डंक भरा है और फिर इसके बाद इसमें मिट्टी और सब बोन मील वगैरह सब डालने के बाद में अभी ये देखो कितना सुंदर प्लांट हो गया है। सो इसकी लीव्स है ना, जैसे आम के पत्ते एवरग्रीन होते हैं ना, वैसे ये एवरग्रीन होता है। और रुद्राक्ष का संस्कृत, एक्चुअली रुद्राक्ष इज अ संस्कृत वर्ड, रुद्र मीन्स लॉर्ड शिवा। और जो रुद्राक्ष का जो लास्ट है अक्ष मीन्स आई, सो ये रुद्राक्ष मतलब भगवान शिव की आँखें। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंस है, ये वेल्थ ट्री भी कहलाया जाता है और इसे होली रुद्राक्ष ट्री कहा जाता है। और ये जो प्लांट होता है ये इट डेवलप्स हार्मनी, कॉन्सेंट्रेशन एंड बैलेंस स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। तो इसे लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही, जैसे हम आम का पेड़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, वैसे रुद्राक्ष का पेड़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मुझे तो भी लगता है कि ये
पेड़ है ना प्यार खुशी और हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ऑल द एविल जो बुराइयां हैं उससे। पता नहीं इस पेड़ को देखते से मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत रिस्पेक्ट है मुझे अपनी। मेरे हमारे यहाँ दो प्लांट है ये जो अभी 20-20 फीट के हो गए हैं, और ये मुझे लगता है मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू जनरेशन तक ये पेड़ यहीं रहेगा, बिकॉज़ ये हजारों साल तक रहता है यदि इसकी प्रॉपर केयर की जाए। और ये जो आपको छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं ना, वो इसका फ्रूट है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रूट, ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जब पक जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। सो राइट नाउ यू कैन सी इट इज ग्रीन इन कलर, बट ये पकने के बाद में ये ब्लू हो जाता है। और कौन सा ब्लू? जो हम शंकर भगवान की जो गर्दन देखते हैं ना, वो वाला ब्लू हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा सा ब्लू। और इसी के लिए इसको ब्लूबेरी बीट्स भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर बिहार, आसाम, हरिद्वार में भी बहुत पुराने, मतलब पुराने, बहुत पुराने आपको ये झाड़ दिख सकते हैं, पेड़ दिख सकते हैं। बट आजकल महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग इसे लगाने लगे हैं। सो जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो फर्स्ट जो हमने प्लांट लगाया था वो रुद्राक्ष लगाया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अपना जो घर है उसके दो साइड में एज ए प्रोटेक्शन, क्योंकि आई बिलीव इन दैट। मैं हर प्लांट के बारे में बिलीव करती हूँ कि आप यदि घर के आसपास पौधे लगा दो, पेड़ लगा दो, तो अपना घर अपने आप प्रोटेक्शन हो जाता है। बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज इट गिव्स ऑक्सीजन ना, तो आपको अच्छी ताजी हवा मिलती है, ताजी ऑक्सीजन मिलती है, दैट इज़ द वन रीज़न। और जब हमने ये जगह खरीदी थी तो सबसे पहला ट्री कौन से लगाए थे? तो हमने रुद्राक्ष लगाए थे, पारिजात लगाए थे। और ये देखो अभी, क्योंकि रुद्राक्ष में जो फ्लावरिंग और फ्रूटेशन होता है ना, वो 3 या 4 साल बाद होता है। तो फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स वी आर गेटिंग रुद्राक्ष सीड्स। तो आप पूछते होंगे रुद्राक्ष सीड्स कितने आते? इट कम्स इन लाइक लास्ट ईयर तो थोड़ा कम था, बट इस साल देखो, आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर है। दिस इज़ वन ब्रांच, ये देखो है ना सुंदर, दिस इज़ वन ब्रांच गोइंग अप टू देयर, सी दिस इज़ वन ब्रांच। और ये पूरा, मतलब आपको मुझे ना एक्चुअली सी दीज आर द मधुमक्खी, ये देखो पूरा पेड़ ऐसा मधुमक्खियों से भरा है। बट आई होप कि वो मुझे कुछ ना करे, और यदि करेगी तो मैं आपका नाम ले दूंगी कि मत काट, क्योंकि मैं ना वीडियो बना रही हूँ, सो डोंट बाइट मी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कुछ करेंगी, क्योंकि ये अपना काम कर रही है। सुबह सुबह ये हनी सब कर रही है। ऐसा कहा इसका रुद्राक्ष का जब सीड आता है ना, तो उसके मुख होते हैं 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो 14 मुखी होता है, जो बहुत ही रेयर होता है। एक्चुअली हमने तो जब ये सैपलिंग लाया था, एक नर्सरी से लाया था, विश्वास करके लाया था, एंड थैंक गॉड वो विश्वास पक्का निकला। तो जब हमने खरीदा था तो हमको, मेरे को तो या मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं था ये मुख क्या होता है। तो फिर किसी ने पूछा कितने मुख का है, तो वो अभी भी मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है ये 5 मुखी है, आपको दिखाऊंगी ये पकने के बाद में। सो वी हैव दिस 5 या 3 ऐसा कुछ है, लेकिन अभी आज मैंने देखा था तो मुझे तो 5 मुख लग रहे थे। सो ये अभी देखो आप, ये 5 से देखो। और इस ये हजार साल तक क्यों जिंदा रहता है ये पेड़? क्योंकि इसका जो रुद्राक्ष जो सीड होता है, जिसे जो रुद्राक्ष इज अ सीड ना, वो इतना स्ट्रांग होता है। सो जितना स्ट्रांग सीड होता है ना, उतना उस पेड़ का लाइफ स्पैन होता है। सो आप इसको यदि प्रॉपरली, जैसे मैंने कहा कि इसे यदि आप मेंटेन करो, तो ये हजारों साल तक जिंदा रहता है। और इसके लिए आप यदि ऋषिकेश में जाओ, या काशी में जाओ, या हरिद्वार में जाओ, तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं रुद्राक्ष के, वो अभी भी है। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये बहुत अच्छी पेड़ों की देखभाल करते हैं।
उनके लिए तो यही जीवन होता है ना। सो अभी जरा बारिश होने लगी है, फिर भी मैं अपना वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैं ये रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे हूँ ना, तो उतनी बारिश नहीं लग रही है मुझे। सो मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो ये है रुद्राक्ष के फ्लावर्स, और ये हमारी मैडम देखो कितनी अच्छी तरह से एक एक फ्लावर का नेक्टर ले रही है। देखो, क्योंकि वो जो आपको दिख रहा है ना, ऐसा फ्लावर के बाद की स्टेज दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से रुद्राक्ष आएगा। ये मैडम देखो कैसे मजे से नेक्टर में ना, कितनी अच्छी लाइफ है ना ये। इस मधुमक्खी को क्या कहते हैं आप बताएं ना, मेरे को मधुमक्खी का नॉलेज नहीं है। और ये है फ्लावर्स, थोड़ा सा हल रहा होगा मेरी, मैं स्टिक से ये जो करती हूँ ना वीडियो शूटिंग, तो थोड़ा सा, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मेरे को ये मधुमक्खियों के बीच में, क्योंकि पूरा देखो आपको दिखाती हूँ, ऊपर पूरा काला हो रहा है, ये पूरा मधुमक्खियों से भरा हुआ है। सो इसके पहले कि ये मधुमक्खी मुझे कुछ करे, मुझे कुछ करेंगी नहीं, क्योंकि मैं उनको कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी कई कई चक्रम भी हो सकती ना। तो ये जो पेड़ है ये मेरे लिए तो बहुत ऑस्पिशियस है। तो आज मंडे है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको आज हमारा रुद्राक्ष दिखा देते, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टेज है और इसमें हर साल फ्रूट्स आते हैं। और आपको एक और दिखा देती हूँ, देखो ऊपर ये डाली, देखो। अभी आप बोलोगे आपकी आवाज़ क्यों, तो मैंने ना सब गर्दन पूरा ऊपर उठा के रखा है। ये है करीब 20 फीट का पेड़, तो ये देखो कितने लगे हैं, मतलब पूरा पेड़ ऐसा भरा हुआ है। आपको और दिखाती हूँ, ये वाली ब्रांच, थोड़ा चलते टाइम है हो रहा, लेकिन ये देखो पूरी ब्रांच में ऐसे, ये देखो। सो मैं आरती सामंत आप सभी का स्वागत करती हूँ सामंत फार्म पर, और आपको ये रुद्राक्ष दिखा रही हूँ। अभी तो ये बहुत ही छोटे हैं, फिर ये बड़े हो जाएंगे, तो पूरा पेड़ ऐसा भरा हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आज के इस ऑस्पिशियस डे पे यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ले रही हूँ वीडियो बनाने के, सीख भी रही हूँ। और ये तो तगर है, तो मैंने क्या किया है, ये जो प्लांट है ना, इसके आसपास इतने सारे फूलों के पेड़ लगा दिए ना, तो ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह सुबह रुद्राक्ष को हम फूल भी चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे अभी नीचे नहीं गिरे हैं, तो पकने के बाद ये नीचे गिर जाते हैं अपने आप। सो ये है हमारा रुद्राक्ष, थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ ये। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही, क्योंकि नीचे पारिजात है। और हाँ, ये जो फ्लावर्स होते ना, इसमें वैसी खुशबू नहीं आती है, पर हाँ इसका नेक्टर ज़रूर स्ट्रांग रहता होगा, इसीलिए पूरा जो पेड़ है वो ऐसे मधुमक्खियों से भरा है। सो मैं आरती सामन इसी के साथ आप बाय करती हूँ। मैं ये रही, हाँ क्यों मिल रहा है इतना, और पूरी मधुमक्खियाँ, मैं तो मुझे ज़रा डर लग रहा है, तो मैं आपको बाय करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। यहाँ से निकलती हूँ, बाय।